तो देश का मूड मीटर में आज की दूसरी खबर उन लोगों की आंखें खोलेगी जो पिज्जा बर्गर के दीवाने हैं, जो भारतीय खाने को घास फूस और नॉनवेज खाने को शाही खाना कहते नहीं अघाते। चिकन मटन की दावत उड़ाने वाले लोग जरा आज की रिपोर्ट को गौर से ध्यान से देखें। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का भविष्य हिंदुस्तानी थाली में ही सुरक्षित है। आने वाले सदियों में भी दुनिया की भूख हिंदुस्तानी थाली ही मिटा पाएगी। आज मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखने जा रहा हूं, 2024 की लाइव प्लेनेट रिपोर्ट जिसे कहा जा रहा है और जिसने पूरी दुनिया भर में खलबली मचा रखी। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और वर्ल्ड वाइड लाइफ ने मिलकर तैयार किया और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसको जरा गौर से सुनिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के ताकतवर देश G20 देश जिनको कहा जाता है, उसके नागरिक जो खाना खा रहे हैं उसमें तुरंत बदलाव की जरूरत है और दुनिया का भविष्य हिंदुस्तानी थाली में ही सुरक्षित है। अगर दुनिया हिंदुस्तान का खान पान अपनाती है तो अगले 50 साल में दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर कुपोषण, भूखमरी और बड़ी बड़ी बीमारियों से दुनिया को आजादी मिल सकती है। कैसे, ये हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। हिंदुस्तानी खाने का मतलब शुद्ध शाकाहारी खाना। इसमें उत्तर भारत की थाली भी शामिल है और दक्षिण भारत की भी थाली शामिल है। हिंदुस्तान की दोनों थालियों में क्या क्या परोसी जाती है, हम रोजाना क्या क्या खाते हैं, ये हम सब आप जानते हैं। लेकिन इसकी बड़ी खासियत यह है कि यह कम कैलोरी में शानदार स्वाद के साथ पोषण भी शानदार देता है, साथ ही धरती पर इसकी वजह से बोझ भी कम पड़ता है। भारतीय थाली में परोसे जाने वाले अनाज, फल और सब्जियां तैयार होने में कम वक्त लेती है और कम संसाधन लेती है, और कैसे वो हम आज आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो देखिए, जो हम आप हमारी दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं उत्तर भारतीय थाली है, और उत्तर भारतीय थाली में क्या क्या चीज़ें होती है तो आपको पता ही है। उसमें आप देख रहे हैं कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, सलाद, दही, पापड़, अचार, मीठा वगैरह, यही तो खाते हैं उत्तर भारत में लोग। और दक्षिण भारत में आप देखिए, दक्षिण भारत की जो थाली है उसमें क्या क्या है, उसमें बड़ा, सांभर, डोसा, चटनी, उत्पम, उपमा, रसम, चावल, कुट्टू, पायसम, जो जिसको खीर, एक तरह की खीर होती है, ये सब खाते हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की थाली में देखिए कि कितना कितना हेल्दी है और इसको तैयार होने में कितना कम वक्त लगता है। इसमें जो हम व्यंजन परोस रहे हैं उसमें अनाज, फल, सब्जी को तैयार होने में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो जो उत्तर भारत की थाली है ये एक थाली 600 से 1600 कैलोरी की होती है, और आप जैसा कि जानते हैं कि आजकल वेट बढ़ने का जो समस्या है उसमें कैलोरी का बड़ा योगदान है। तो 600 से 1600 कैलोरी यानी कि ठीक ठाक पोषण, आपको ऊर्जा तो मिल ही रही है, पोषण भी इसमें ठीक ठाक मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसको तैयार होने में, इसमें जो आप देख रहे हैं फल, सब्जी और अनाज, 60 से लेकर 130 दिन का समय लगता है, यानी कि 2 महीने से लेकर 4 महीने तक का, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि आने वाले जो दूसरे हम ग्राफिक्स और दूसरे देशों के खान पान के बारे में बताएंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे। तो देखिए, अब जरा अमेरिकन थाली पर नजर डालिए। अमेरिकन थाली में क्या लोग खाते हैं जनरली? फ्राइड चिकन, हैमबर्गर, मटन, मछली, झींगा, ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग और डिब्बा बंद फूड, सोडा, बियर। अब ये सब जो खाना है, इस खाने के साथ दिक्कत क्या है कि ये कैलोरी इसमें बहुत ज्यादा होती है। 1200 से 3500 कैलोरी इसमें होती है एक थाली में, एक एक टाइम के मील में। और उससे भी बड़ी समस्या क्या है कि इसमें जो चीजें हैं उसको तैयार होने में 6 महीने से 18 महीने का समय लगता है, थाली तैयार होने में नहीं। अगर मान लिया मीट है, उसमें अगर कोई चिकन है या मटन है, तो उस बकरी को या चिकन को तैयार करने में उसमें 6 महीने से 18 महीने तक का समय लग सकता है। तो आप सोचिए कि धरती पर उस हिसाब से कितना बोझ पड़ेगा। उसी ढंग से दुनिया की एक और बड़ा देश है अर्जेंटीना, वहां की थाली क्या है? वहां की थाली है, उसमें कॉर्न बीफ है, असादो है, चिकन ब्रेस्ट है, चोरीजो जो कि एक तरह का पोर्क होता है, प्रोबोलेटा, स्वीट कॉर्न डिश, डुल्से डेलेचे, इस एक तरह का स्वीट है। तो ये डिब्बा बंद फूड है, इसमें भी यहां भी होता है 1200 से 3500 कैलोरी। और सबसे बड़ी बात यह कि 60 दिन से लेके
45 महीने तक का समय लग सकता है इसको तैयार होने में, 2 महीने से लेकर 45 महीने तक। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा समय लगता है इसको तैयार होने में। अब यही नहीं, ये तैयार होने में ज्यादा समय लगता है तो जाहिर सी बात है कि इसको तैयार करने में संसाधन भी ज्यादा लगता होगा। अब आप जरा देखिए, हम जो खाते हैं तो उसमें ज्यादातर क्या है, अगर वेजिटेरियन खाना है तो उसमें चावल गेहूं इसी से बनी हुई चीजें होती है। एक किलो गेहूं बनाने में या उपजाने में 1 से 2 हजार लीटर तक का पानी खर्च होता है, जबकि अगर 1 केजी मीट अगर प्रोड्यूस करना है, अगर तैयार करना है तो 13,000 से 1 लाख लीटर तक का पानी लगता है। क्योंकि जिस जानवर को आप पाल रहे हैं, बकरी या बीफ के लिए, जो बड़े जानवर हैं तो बहुत पानी पीते हैं, तो और उसको तैयार करने में 1 किलो मीट पर 13,000 लीटर से 1 लाख लीटर तक। कहते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। उसी ढंग से आगे बढ़िए, अगर आप अनाज साग सब्जी वगैरह खा रहे हैं तो इससे जल जमीन और हवा में प्रदूषण नहीं होता, बल्कि इससे पर्यावरण को और फायदा होता है, क्योंकि ये सब पेड़ पौधे हैं। जबकि इसके ठीक उलट मीट और फिश प्रोसेसिंग वगैरह में जल जमीन और हवा, इसमें तीनों में प्रदूषण होता है, क्योंकि जो जानवर हम पालते हैं उससे बहुत मिथेन गैस निकलती है और उसकी वजह से ओजोन लेयर पे बड़ा फर्क पड़ता है, तो दुनिया का पर्यावरण भी उसकी वजह से गड़बड़ा रहा है। कहा जाता है कि अमेजॉन के जो जंगल हैं उसकी कटाई में खेती का जो योगदान है सिर्फ 30% है, मतलब 30% जंगल सिर्फ खेती की वजह से कटे हैं, बाकी 70% जो जंगल काटे गए दुनिया में अमेजॉन सहित, उसमें पशुपालन, चारागाह और मीट इंडस्ट्री के लिए काटे गए। अब आप सोचिए कि जो लोग ज्यादा मीट मछली खा रहे हैं वो दुनिया को किस तरीके से उसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। अब आप आगे बढ़िए, अगर हम भारतीय खाना खाते हैं और दुनिया में बाकी जगह जैसा खाना खाया जाता है उस तरह का खाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अर्जेंटीना की थाली के बारे में हमने बताया, अर्जेंटीना की थाली में जिस तरह का या अर्जेंटीना में जिस तरह का फूड हैबिट है, अगर ऐसा ही सब खाते रहे तो 2050 तक एक धरती से काम नहीं, अगर पूरी दुनिया उसी तरह से खाने लग जाए तो 7.5 धरती के बराबर जमीन और संसाधन चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से लोग खाना खाते हैं, अगर पूरी दुनिया वैसे खाने लगे तो 2050 तक ये 7 धरती भी के आसपास की जरूरत पड़ेगी, उतना संसाधन और उतनी जमीन। उसी ढंग से अमेरिका 5.5 धरती की जरूरत होगी। आगे बढ़िए, देखिए बाकी, अगर ब्राजील मतलब करीब 5.5 धरती के बराबर का जमीन और संसाधन चाहिए, फ्रांस भी 5 धरती, सऊदी अरब करीब 2 धरती के बराबर ढाई के संसाधन और जमीन की जरूरत होगी। जबकि इसके ठीक उलट आइए, हिंदुस्तान की तरफ बढ़िए, दिखाइए अगर भारत का में जिस तरह का खाना खाया जाता है, अगर सारी दुनिया में अगर उसी तरीके का फूड हैबिट लोग अपना लें तो 1 धरती मतलब 0.84, मतलब आप समझिए कि इसी धरती पर सबका भोजन सुनिश्चित हो जाएगा और कोई भूखमरी का शिकार नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान रखने की जरूरत है।